ये वीडियो NIOS स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एडमिशन के टाइम नाम गड़बड़ हो गया था, पापा का, मम्मी का या खुद का। वो उसमें अब कैसे सुधार करेंगे या कैसे चेंज करेंगे वो इस वीडियो में आप जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक वेब ब्राउज़र खोल लोगे, जैसे हम गूगल क्रोम खोल रहे हैं। और गूगल क्रोम खोलने के बाद आप इसमें टाइप करोगे NIOS, टाइप कर आप सर्च करोगे। सर्च करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप होम के नीचे देखोगे NIOS रिजल्ट एडमिशन, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। और स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, ये लॉगिन लोगो के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, लॉगिन बाई रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर। तो आपको लॉगिन बाई रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको या तो रेफरेंस नंबर देना है या एनरोलमेंट नंबर देना है। रेफरेंस नंबर आपको जब आपने एडमिशन लिया होगा उसके रिसिप्ट पे मिल जाएगा, और ये एनरोलमेंट नंबर आपके आई कार्ड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर देंगे। चलिए एनरोलमेंट नंबर भर देते हैं हम। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे मार्च 2021, इसी पर क्लिक करना है। फिर 2021 पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना ईयर चूज़ करोगे, बैक करके या आगे पीछे करके, और फिर अपना मंथ चुनोगे, फिर अपना डेट चुनोगे। और ये सब चुनने के बाद आप यहाँ पे ये कैप्चा फिल करोगे और आप लॉगिन पर क्लिक करोगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप थोड़ा सा नीचे आओगे ई सर्विसेज में। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई और माई रिक्वेस्ट। तो आप अप्लाई पर क्लिक करोगे। और आपको अगर नेम में चेंज करना है अपने, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चार्जेस बताया गया है, 200 रुपये है। फादर्स नेम में चेंजेस करना है तो 200 रुपये है, मदर नेम में चेंजेस करना है तो 200 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंजेस की बात कर लिए, अब करेक्शन करवाना है। यहाँ पे तो आपको ये है कि आपका नाम ही पूरा गड़बड़ है, जैसे कि आपका नाम सुमित है और डाल दिया गया है समीर, तब तो आप इस ऑप्शन का चूज़ करोगे। ठीक है, और अगर आपके नाम में कुछ करेक्शन करवाना है, जैसे कि कोई स्पेलिंग है, तो उसके लिए आप करेक्शन वाले ऑप्शन में आओगे, जिसके चार्जेस 100 रुपये है। तो हमें तो करेक्शन करवाना है अपने नेम में, तो हम ये करेक्शन वाले नेम जो है इस पर आप क्लिक करोगे। और क्लिक करने के बाद ये रजिस्टर मोबाइल नंबर आ जाएगा आपके सामने। ये OTP जनरेट करोगे, यहाँ से आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पे डालोगे। OTP डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करोगे। ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको, जैसे कि ये सुधीर है नाम, इसमें आपको क्या चेंजेस करवाना है, तो मुझे जैसे कि I की जगह EE लगवाना है, तो मैं यहाँ पे वो डाल दूँगा। और डॉक्यूमेंट में आप वो कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का दे दीजिए, जिसमें आपका नाम बिल्कुल सही हो या स्कूल TC में बिल्कुल सही हो वो दे दीजिए, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID। आई कार्ड भी दे सकते हो जिसमें आपका नाम बिल्कुल सही हो। तो वहाँ पे ये, यहाँ से ये ब्राउज़र पर क्लिक करोगे और यहाँ से एक फ़ाइल सिलेक्ट कर लोगे जहाँ भी आपने रख रखा है। और फाइल आपका JPG में होना चाहिए, ठीक है, 1 MB से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आप पेमेंट मोड में आओगे, कोई भी एक बैंक सिलेक्ट करोगे और पे नाउ पर क्लिक करोगे।
पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप ये थोड़ा सा ही लोडिंग लेगा, 150 रुपये पे करना है आपको, जिसमें आप अपना यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और UPI से कर सकते हैं। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो चूज़ करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज़ कर रहे हैं और यहाँ से बैंक चुनेंगे अपना, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पूरा फुल अमाउंट आ जाएगा जितना पे करना है, जैसे कि 161.80 रुपये पे करना है हमें। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, देन फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये OTP आएगी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो भी बैंक से लिंक होगा वो यहाँ पे डाल देंगे आप, देन आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो है रिक्वेस्ट वो ले लिए हैं और आपको जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपने नाम में करेक्शन करवा पाओगे, चेंज कर पाओगे अपने खुद के, अपने पापा या मम्मी के। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।